हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड, आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे पल्लवी पढ़ाई कर रही है और प्रियांशी परेशान भी कर रही थी। तो आज शाम हो गया है, अभी 6 बज गया है। तो मैं मंचूरियन बनाने के लिए जो तैयारी कर रही थी, शाम को मैं सोची कि मंचूरियन ही बना लूँ। तो पल्लवी अभी पढ़ाई करके और मैं थोड़ा बहुत गंदा था किचन, तो मैं पोछा लगा के और बाहर में मैं पोछा रखी हूँ। तो पल्लवी रूम पे ऐसे ही खेल रही है, बोल रही मम्मी मुझे भी पोछा लगाना है, और खेल रही। तो अभी मैं मंचूरियन पूरे अच्छे से मिक्स करके वो पत्ता गोभी और गाजर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और उसमें मैं मैदा डाली हूँ, चावल का आटा डाली हूँ और कुछ थोड़ा सा मसाले डाल दी हूँ। और मैं उसको अच्छे से बोल बना ले रही हूँ छोटे छोटे करके। और मैं कुछ भी बनाने से पहले मैं थोड़ा सा कढ़ाई में आप लोगों को मैं दिखाई हूँ हमेशा कि मैं कुछ भी डालने से पहले थोड़ा सा मैं डाल के उसको उठा के गैस पे दे ही लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं आगे बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं शाम का खाना ही बनाऊंगी, मंचूरियन और रोटी बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं भी। लेकिन हाँ, मंचूरियन बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, सोचने में लगता है कि बन गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको। तो काटने उठने में इतना समय लग जाता है ना, क्या बोलो। तभी मेरा मंचूरियन इतना ही सुंदर से बोल से पक गया था ना, इतना सुंदर से बन भी गया था, एक जरा सा भी नहीं टूट रहा था। देखिए एकदम से उठ भी रहा था, बिल्कुल नहीं टूट रहा था। अगर कुछ भी बनाती हूँ और अगर अच्छे से बन जाता है ना, तो बहुत मन को खुशी मिलता है, फिर आगे लगता भी है कि बनाओ। और अगर नहीं बनता है ना, तो बनाने का मन भी नहीं करता है। तभी ये डिप्टी से आ गए थे, बस एक बार उसको उठाई थी मंचूरियन का बोल और ये आ गए थे, वे बस पक ही रहा था। तो पल्लवी अपने पापा जी का गोदी चढ़ गई है, ये डिप्टी से आ गए थे। तो प्रियांशी देखती है गोदी दीदी को लेते हुए, उसके बाद से ये परेशान करती है। पहले तो गोदी जाती ही नहीं है, पहले तो सोचती है कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन दीदी जब चढ़ जाती है उसके बाद क्या सोचने लगती है पता नहीं, उसके बाद से फिर चले जाती। तो मैं यहाँ रिफाइंड का ऑयल ले ली थी, उसके बाद से मैं उसमें लहसुन डाल दी थी और अदरक डाल दी थी, और इसमें लहसुन और अदरक तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं उसमें हरी वाली प्याज था उसके प्याज तो वही मैं डाली थी, और पतला पतला से काट करके लंबा लंबा। और मैं उसमें शिमला मिर्च दो तरह से ली थी, एक ग्रीन ली थी एक हरा वाला ली थी। और गाजर को भी मैं पतला पतला से काट कर 2-3 मिनट ऐसे करके सारे को मैं भून ली थी। और प्याज साग को मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे मिक्स कर दी थी हरा वाला, और सोया सॉस, टमेटो सॉस, ग्रीन चिल्ली, ये सब सारे मैं मिक्स करके 1-2 मिनट से सब भून लूँगी। और अभी तो मंचूरियन बनाने के लिए अभी सामान सब कुछ बाज़ार में इजीली से मिल जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में सब कुछ रहता है। कभी कभी कोई मौसम है कि नहीं मिलता है, तो अभी प्याज साग भी मिल जाता है और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, गाजर, ये सब तो मिल ही जाता है आराम से। और ये इतना सामान होने के बाद तो फिर बन जाएगा। तो अभी मैं इसमें ना मंचूरियन का कलर जो होता है ना, पाउडर डालते हैं मार्केट में, तो मैं वो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं ऐसे अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, मार्केट जैसा कलर आ जाएगा, तो मैं नहीं डाली थी। तो देखिए कितना अच्छा से बन गया, हर एक भी बोल टूटा नहीं है। तो मैं बाद में प्याज वाली साग जो रखी थी मैं थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल दूँगी, दिखने में अच्छा लगेगा। तो कुछ प्रियांशी के लिए भी मैं रख दी हूँ कि ये तीखा लग जाएगा, हरी मिर्च काट के डाली हूँ तो उस तीखा लग जाएगा। इसके लिए मैं उसको तला हुआ 2-3 रख दी, क्योंकि वो ना आजकल थोड़ा बहुत खाने लगी है ना, तो देख के बोलती, मतलब खाने के लिए वो कूद जाती है। तो अभी दीदी उसके खाएगी तो फिर वो परेशान करेगी, लेकिन तीखा लग जाएगा इसके वजह से। अभी वो तो देख के पूरा कूद रही थी, तो फिर मैं उसको भी सोची कि खिला देती हूँ, मैं खाऊंगी और शायद उसको भी साइड में तला हुआ लेकर खिला दूंगी। मानती नहीं आजकल, थोड़ा बहुत खाने लगी है ना तो बिल्कुल से नहीं मानती। जब तो पल्लवी छोटी थी ना, इतना सा
तो खाती नहीं थी पल्लवी, तो 3 साल तक कुछ भी नहीं खाई थी, बस दूध पी के रहती थी। लेकिन नहीं, प्रियांशी का तो बहुत ही अच्छा आदत है, कुछ भी खा लेती है, जैसे भी बिस्किट वगैरह खा लेती है, आराम से खा के पानी पी लेती, खेलती ये ज़्यादा दूध के लिए तो जिद नहीं करती है। तो अभी हम लोग का पूरा मंचूरियन रोटी भी बन गया था टोटल, तो इनको खाने के लिए मैं दे दी थी। डिप्टी से आके नहा भी लिए थे और खा रहे थे। पल्लवी को भी मैं दे ली थी, तो फिर वो भी जिद कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो तुमको भी खिला लेती हूँ, मैं भी खा लूँ, साथ में बर्तन वर्तन मैं धो लूँगी। फिर रात भी हो गया था, मैं 6 बजे से स्टार्ट की थी तो 8 बज गया था। तो 8 बजे से खाना वाना खा के, बर्तन साफ़ करके, गैस वैस साफ़ करके, और फिर मैं थोड़ा छत पे चली जाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। उसके बाद तो गैस के पास रहने के बाद तो पता ही कितना हालत ख़राब रहता है अभी इस गर्मी में। तो मैं दूध नहीं गर्म की थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैं दूध गर्म नहीं की, तो फिर मैं गैस साफ़ करके दूध मैं उसमें चढ़ा दी। तब तक मैं सोची बर्तन धो लूँगी, तो मेरा सारा काम हो गया है। और फिर अब मैं लाइट सब थोड़ा रूम पे नहीं जलाई हूँ, तो लाइट सब मैं जला के और मैं चली जाऊँगी छत पे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।